रूल नंबर 12, रीड द न्यूज़पेपर। अब देखो, ये बुक 1800 में लिखी गई है, जब करेंट ट्रेंड्स और बाकी खबरों के लिए न्यूज़पेपर ही एक जरिया हुआ करता था। तो यहां कहने का मतलब है कि जिस भी चीज का तुम बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, उससे रिलेटेड करेंट ट्रेंड्स की हमेशा खबर रखो, ताकि तुम खुद भी अपडेट रह सको, नहीं तो मार्केट में बहुत पीछे रह जाओगे। रूल नंबर 13, बीवेयर ऑफ आउटसाइड ऑपरेशंस। अब कभी कभी वो आदमी जिसने अपनी मेहनत से पैसा कमाया होता है, वो अचानक एक दिन अपना सब कुछ खो देता है, और ऐसे ज्यादातर केसेस में इसकी वजह होती है कि वो अपने काम से अपना फोकस हटाकर जुए और इसी के जैसी दूसरी बुरी आदतों में फंस जाता है। और ऐसा तब होता है जब वो अपने बिजनेस के बाहर जाकर ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने लगता है। लोग उसे ये बताने लगते हैं कि वो बहुत लकी है, वो जिस किसी भी चीज को छूता है वो सोना बन जाता है, और दूसरे लोगों से अपनी यही बड़ाई सुन सुनकर वो अपनी इकोनॉमिकल हैबिट्स को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि सिर्फ मेहनत करके ही धन दौलत कमाई जा सकती है, और जैसा कि वो आज तक करता आया है। पर अब वो सिर्फ यही समझता है कि वो जिस किसी भी चीज को छुएगा उस चीज सोना बन जाएगी, और इसका यही सोचना उसकी बर्बादी की वजह बनता है। अब वो रोज अच्छी खासी रकम से जुआ खेलना शुरू कर देता है, अपने गुड लक के भरोसे पर, या फिर अपना पैसा लगाना शुरू कर देता है ऐसी ही किसी दूसरी जुआरी स्कीम्स पर, और लास्ट में अपना सब कुछ गंवा बैठता है। अगर आदमी के पास काफी पैसा है और अगर वो चाहता है कि वो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करे, तो वो पैसा उसे कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि उसे श्योरिटी देती हो फ्यूचर सक्सेस के लिए। पर इस तरह इन्वेस्ट करने पर भी एक मॉडरेट अमाउंट ही इन्वेस्ट करनी चाहिए। उसे कभी भी अपना पैसा कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां का उसे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। रूल नंबर 14, डोंट इंडोर्स विदाउट सिक्योरिटी। मतलब बगैर कोई सिक्योरिटी लिए किसी के लिए भी गारंटर मत बनो। बिजनेस में सिक्योरिटी अपने पास रखवाए बिना किसी के भी गारंटर मत बनो, चाहे वो तुम्हारा कितना भी जानने वाला क्यों ना हो, और वो चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट तुम्हें रिटर्न करने की बात कह रहा हो। अब यहां मैं फैमिली रिलेशंस में फादर सन भाई की बात नहीं कर रहा हूं, वो तुम्हारे अपने डिसीजन पर है अगर तुम उनकी गारंटी अफोर्ड करना चाहते हो तो। क्योंकि अगर उस आदमी को कुछ भी नुकसान होगा, पैसा तुम्हारा ही डूबेगा, जिसके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि इस तरह जब आदमी को आसानी से पैसा मिल जाता है तो वो उसकी कदर भूल जाता है, और वो अपने काम अपने बिजनेस को उतना फोकस होकर नहीं करता। इसलिए तुम्हें अपना पैसा इतनी आसानी से बगैर सिक्योरिटी रखवाए बिना कभी नहीं देना चाहिए, जिससे कि कम से कम तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा। और अब रूल नंबर 15, एडवर्टाइज योर बिजनेस। अब तुम चाहे जितना भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आओ उसे बेचने के लिए, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की कोई पहचान नहीं है, लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो तुम्हें उस प्रोडक्ट को बेचने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और तुम पैसा भी ठीक से नहीं कमा पाओगे। इसलिए जरूरी है कि लोग तुम्हारे बारे में जाने। अब किसी ने मुझसे कभी कहा था कि सर, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक रिस्क है। जिन्हें सामान खरीदना होगा वो तो वैसे भी खरीदेंगे, और जरूरी नहीं कि हर हाउसहोल्ड वो सामान खरीदे, तो फिर क्यों एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा खर्च किया जाए। मैंने उसे बताया
कि मैं आज भी हफ्ते में 3 बार अखबारों में एरोटीज करता हूँ। और सिर्फ एरोटीज करना ही अकेले काफ़ी नहीं है, बल्कि कैसे एरोटीज किया जाए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा, एक फ्रेंच राइटर ने बताया है कि अखबार को पढ़ने वाले आदमी की पहली नज़र पहली दफ़ा तो एक ऑर्डिनरी एडवर्टीजमेंट पर जाती ही नहीं है, क्योंकि वह उसे उतना काबिल ही नहीं समझता है। दूसरी बार वो एडवर्टीजमेंट को देखता है पर पढ़ता नहीं है। तीसरी बार एडवर्टीजमेंट देखने पर वो उसे पढ़ता है। चौथी बार वो उस प्रोडक्ट का दाम जानना चाहता है। जब 5वीं बार वो एडवर्टीजमेंट को देखता है तो अपनी वाइफ से उस प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। 6ठी बार एडवर्टीजमेंट देखने पर वो उसे खरीदने के लिए मन बनाता है। और 7वीं बार एडवर्टीजमेंट के सामने आने पर वो उसे खरीदता है। और तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को ये बताना है कि तुम क्या सामान बेच रहे हो, उसकी क्या खासियत है, क्या काम करता है ये। और अगर तुम अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पूरी तरह पहुंचाए बिना ही उसे हाथ खींच लेना चाहते हो, तो जो पैसा अभी तक तुमने लगाया है समझो कि वो तुमने खो दिया है। इसलिए तुम्हें अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट को तब तक जारी रखना होगा जब तक कि लोगों को तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल ना हो जाए। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या एडवर्टीजमेंट के बगैर बिजनेस चल सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। रूल नंबर 16, बी पोलाइट एंड काइंड टू योर कस्टमर्स। पोलाइटनेस और सिविलिटी ये बेस्ट कैपिटल है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। बड़े एडवर्टीजमेंट्स, बड़े बड़े स्टोर्स, बिलबोर्ड्स, ये सब किसी काम के साबित नहीं होंगे अगर तुम्हारे एम्प्लॉयज कस्टमर से अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो। और सच बात तो ये है कि जितना आदमी काइंड और लिबरल बिहेवियर शो करता है उसके कस्टमर का उसकी तरफ उतना ही ज़्यादा झुकाव हो जाता है। अब कई बार लोग अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ही शार्पली बार्गेन करते हैं, जैसे कि वो दूसरे दिन उस कस्टमर की शक्ल ही नहीं देखना चाहते, जैसे कि जो कुछ है वो आज ही है। इस तरह के एटीट्यूड की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, और ऐसा करके तुम अपने ही बिजनेस को चोट पहुंचाओगे। देखो, लोग ज़्यादा पे करना पसंद नहीं करते, पर वो ये भी पसंद नहीं करते कि कोई उनसे बदतमीजी के साथ पेश आए। तो क्या ख्याल है तुम्हारा इस मामले में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो। रूल नंबर 17, बी चैरिटेबल। एक आदमी को चैरिटेबल होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमें खुशी तो देता ही है, साथ ही साथ ये हमारी ड्यूटी भी है। तुम देखोगे कि भले ही तुम्हारे पास चाहे ज़्यादा पैसा ना हो, पर एक लिबरल आदमी ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। वहीं एक अनचैरिटेबल आदमी, उसको लोग दरकिनार कर देते हैं। और सबसे अच्छी चैरिटी है उन लोगों की मदद करना जो लोग मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। रूल नंबर 18, डोंट ब्लैब। अब कुछ लोगों की एक बचकानी आदत होती है अपने बिजनेस के सीक्रेट्स बता देने की, अपने बिजनेस के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बता देने की। वो लोग अपना नेट प्रॉफिट, फ्यूचर की होप्स और एक्सपेक्टेशंस, यहां तक कि अपनी इंटेंशंस, सभी कुछ दूसरों के सामने खोल कर रख देते हैं। यहां तक कि वो ये भी बता देते हैं कि उनको कितना लॉस हुआ। याद रखो, अगर तुम अपने लॉसेस को बाहर के लोगों को बताओगे तो तुम अपनी रिप्यूटेशन को खो दोगे। इसलिए हमेशा अपने बिजनेस के बारे में बातें करते हुए सावधानी रखो। रूल नंबर 19, प्रिजर्व योर इंटीग्रिटी। एक आदमी की रिस्पेक्ट, उसकी रेपुटेशन हीरे और जवाहरातों से भी ज्यादा कीमती होती है। इसलिए पैसा कमाने की जल्दबाजी में कभी भी गलत रास्ता
या डिसऑनेस्टी के साथ काम मत करो। अब कई लोग एडवाइस देते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कैसे आ रहा है, गलत काम करके या किसी को धोखा देकर, मगर वो ये भूल जाते हैं कि वो इस तरह आज तो पैसा कमा सकते हैं, पर एक बार पकड़े जाने पर उनकी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी और उसके साथ ही साथ उनका तमाम बिजनेस और करियर भी, क्योंकि तब उनके ऊपर भरोसा करने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए पैसा बनाने के लिए गलत रास्ता कभी भी मत चुनो। और इसी के साथ द आर्ट्स ऑफ मनी गेटिंग बाय पीटी बर्नम यहीं खत्म होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बुक सभी के लिए यूजफुल साबित होगी। और वैसे भी इस बुक के सारे नहीं पर कुछ रूल्स तो हम ट्राई करके देख ही सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।